हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। कल हम लोगों ने वोवो का जो अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था वो तो था 200 वाट का, और अब ये बात करने वाले हैं हम लोग 120 वाट की। बट ये है 5.1 के अंदर और वो वाला था अपने 2.1 चैनल के अंदर। इसके हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है, बार का साइज क्या है और कितने पूरा वाट का है और साउंड क्वालिटी कैसी है, पूरा का पूरा है वो स्टेप बाय स्टेप वो डिटेल से समझाएंगे। तो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, पक्का कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करो बिल्कुल नहीं करते। तो आपसे एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, पक्का कर ले। तो चलिए देखते हैं ओपन बॉक्स करके इसको, इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करें। तो चलिए बॉक्स है वो ओपन करते हैं। तो सबसे पहले ही इसमें साउंड बार है वो आ जाता है, तो हम लोग साउंड बार के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले साउंड की जो क्वालिटी है वो आप आराम से देखिए किस तरह की क्वालिटी यहाँ पे वो बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम डिजाइन की आवाज़। और यहाँ पे हल्की सी छोटी सी डिस्प्ले वो आपको शो कर रही है, जो पहले वाले थिएटर के थी वो सेम इसी वाले के अंदर। पीछे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, बॉक्स मिल जाता है, एचडीएमआई मिल जाता है, बास आउट मिल जाता है, पावर मिल जाता है और बास को ऑन ऑफ के लिए मिल जाता है, यहाँ पावर करंट के लिए मिल जाता है और ये जो अपने ऑडियो इनपुट है वो मिल जाता है। तो अब हम लोग इसके बारे में आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। पहले इस बार का जो नाप है क्या सही है वो हम लोग आपको वीडियो के अंदर इसका बता देते हैं कि इसकी लंबाई है वो कितनी है। इसकी लंबाई है वो 33 इंच है और ऐसे आप खड़ाई देखने वाले हो तो करीब करीब 4 इंच से थोड़ी सी कम, 3.5 इंच के आसपास है उसकी खड़ाई है, ठीक है। और पीछे यहाँ पे इसको आप है वो दीवार पे हैंग है, वो कर सकते हो कहीं पे भी लगा दो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बॉक्स के अंदर, देखते हैं क्या। एक बॉक्स इसके अंदर है वो खाली आता है, इसमें कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट वाले बॉक्स पे है वो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है वो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ये दो मिल जाते हैं जो बाहर के छोटे वाले साउंड होते हैं उनमें, ये पीछे से हैंग होता है कनेक्ट करने के लिए। और अंदर हमें मिल जाता है पावर कॉर्ड, आपको निकाल के अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। एक रिमोट मिल जाता है, पावर कॉर्ड मिल जाती है और एक बॉक्स मिल जाती है और एक इसके अंदर ये जो डायरी है वो मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अंदर ये छोटे बार मिल जाते हैं, वजन में काफ़ी हैवी लगते हैं। ये जो स्टैंड आ रहे हैं ना इसके साथ में, इस पे यहाँ पे लगने वाले हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं ये लगा के दिखाने वाला नहीं हूँ बट आपको बता देता हूँ कि ये ऐसे हैंग है वो होने वाले हैं। आगे अपने इस पर निकालते हैं, और एक छोटा सा स्पीकर है वो और निकल जाता है, ठीक है। अब रहा इस बॉक्स का कंप्लीट, अब मेन बात आती है वूफर पे, जो उसका बास वाला वूफर है वो किस टाइप का है, तो वो भी हम लोग निकाल लेते हैं अभी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 8 इंची स्पीकर है वो यहाँ पे लगा हुआ है। आगे की जो क्वालिटी है वो एकदम पतली है और इसका भी साइज है वो क्या रहने वाला है वो इस वीडियो के अंदर आपको बता दें। ऐसे लंबाई देखोगे आप तो आपको 10 इंच से 1 या 2 सूट है वो ज़्यादा मिल जाती है, ऐसी खड़ाई देखें तो 13 इंच के आसपास मिल जाती है। और आगे का जो ये फ्रंट है इसकी जो लंबाई है वो करीब करीब 5.5 इंच के आसपास मिल जाती है, ठीक है। तो अब हमने इसको पूरा है वो डिटेल से देख लिया, पूरा आइटम वो इतना आता है, आप वीडियो के अंदर एक बार फिर से देख लीजिए, मैं पूरा पूरा आइटम जो यहाँ पे पड़ा है तो सारा का सारा वीडियो के अंदर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसको है पावर से कनेक्ट करने वाले हैं और कहाँ कहाँ कैसे। अभी देखो पीछे जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था जो आप बार पे देख पा रहे हो, ऊपर आपको दिख जाएगा, उसके अंदर पावर है वो वूफर के अंदर थी बट अभी इसके अंदर पावर है वो बार के अंदर है। तो यहाँ पे बास वाला हमने कनेक्ट किया, और यहाँ पे ये पावर वाला कनेक्ट किया, और ये जो दो स्पीकर हैं वो एक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और एक जो स्पीकर है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसकी साउंड क्वालिटी है वो टेस्ट करने वाले हैं और आपको चेक कराने वाले हैं कि किस टाइप का साउंड है। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब हो, पक्का कर लेना। अब हम लोग इसको पावर ऑन करके आपको चेक कराते हैं कि किस टाइप का साउंड है वो मिलता है, प्रीमियम या नॉर्मल। जो पहले वाला था जो 200 वाट वाला था और इसकी और उसकी रेट ऑलमोस्ट लगभग सेम ही रहती है बट क्वालिटी क्या है वो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे।
बार के अंदर आपको वो ये बटन भी देखने को मिल जाते हैं नेक्स्ट और बैक करने के लिए, मोड चेंज करने के लिए, और ये प्ले और पॉज करने के लिए। तो अब हम लोग इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो टेस्ट करने वाले हैं, किस टाइप का साउंड है वो भी आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर वो बताने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको प्ले करके साउंड है वो चेक कर चुका हूँ। इसमें भी काफी प्रीमियम साउंड क्वालिटी आपको मिलने वाली है बहुत ही अच्छी रेट के अंदर। अगर आप खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।